नमस्कार, आज की क्लास में हम करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट करवा दिया है, उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहां से आप वो क्लास देखाना ताकि आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 80 का कितने प्रतिशत 16 है। ठीक है, हमें ये बताना है कि हाउ मच परसेंट ऑफ 80 इज 16, कि 80 का कितना प्रतिशत 16 होगा। तो हमने मान लिया, पहले बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे और इसको फिर शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। दोनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो 80 का कितने प्रतिशत, यानी कि 80 का अगर मैं x प्रतिशत करूं तो क्या आना चाहिए आपका, 16। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इस x की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया, x परसेंट यही रखा, 16/80 यहां कर दिया। सिर्फ x की वैल्यू बतानी है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, हटाने के लिए परसेंटेज का मतलब क्या है, x बाय में 100, 16/80 है ना। अब ये 100 उधर जाएगा, x बराबर 16/80 इंटू में 100। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व किया हमने, 0 से काट दिया 0, 8 दूनी 16, और ये कितना आ गया आपका 20%। तो यानी कि x कितना परसेंट, यानी कि 80 का 20% जो है वो क्या है आपका, 16 है। क्लियर है बात। अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से समझेंगे कि इतना कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े। तो हमें पूछा गया है कि 80 का कितने प्रतिशत 16 है, यानी कि जो प्रतिशत है कौन है वो 16, और किसका, 80 का, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100 से। अब 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, और 2 को 10 से गुना किया तो कितना आ गया, 20%। सीधा क्लियर है बात। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहता है 7 का कितना प्रतिशत 28 है, तो कितना प्रतिशत मतलब 28 के बारे में बात कर रहा है वो, 28 किसका, 7 का, गुना में क्या कर दिया, 100। तो 7 चौके 28, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना परसेंट है, 400%। 7 का 400% कौन है आपका, 28 है। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को मतलब दोनों क्वेश्चन के आगे होंगे, समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ इस कंसेप्ट से रिलेटेड। मैं अगर कहूँ 25 का कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत 35 होता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 80 का 12% प्लस 450 का x प्रतिशत बराबर है 227 का 30% के बराबर, यानी कि 12% ऑफ 80 प्लस x परसेंट ऑफ 450 इज इक्वल टू 30% ऑफ 227। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर आप ध्यान से देखो तो परसेंट या भी है, इस परसेंट का मतलब है इसके बाय में क्या, 100, इसके बाय में भी क्या है, 100, और इसके बाय में भी क्या है, 100। तो 100 से 100 सब जगह क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि इस परसेंट से ये वाला परसेंट और ये वाला परसेंट, तीनों परसेंट आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ से कॉमन ले लिया ना, ये परसेंटेज इस वाले परसेंट से कैंसिल हो गया। जितना कम लिखेंगे पेपर में उतना बढ़िया रहेगा। अब इस ऑफ यस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि 12 गुना 80 प्लस एक्स गुना 450 बराबर 30 गुना 227। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 12 8 कितना होता है, 96, 960 आ गया, ये 450 एक्स हो गया, और ये 227 दिया, 6810 है ना, आपको पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6810 आएगा। अब हमने क्या रखा, 450 एक्स तो यहीं पर रखा, 6810 माइनस 960 कर दिया। क्लियर है, अब सॉल्व करते हैं। तो 0 का 0, 11 में से 6 गए 5, और ये रह गए हमारे 57 और 9 58। ठीक, तो 450 एक्स हो गए, तो x बराबर जो आ गया हमारा 5850 डिवाइडेड बाय 450, कैंसिल कर दें आप। तो ठीक है, हमने इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, आता है ना कैंसिल करना, 5 से काटे 5, 7 35, 5 कम 5, अब 5 7 35। ठीक है, और अब 5 9 45 होते हैं ना, 9 पे कटेगा ये, 5 9 45, तो 9 से अब काटेंगे तो 9 9 9 9 27 13। तो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 13। इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू आ गई क्या आ गई, 13 आएगी।
सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये समझना है कि आपने ये कोशिश करनी है कि इसको कम से कम लिखें आप, ठीक है। यहाँ समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ गया है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इतना भी कम से कम लिखें। और ये कैसे होएगा, जब आप ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ में कह रहा है वो, बिल्कुल ये थर्ड जैसा ही है कि 420 का x प्रतिशत बराबर है 21 का 400% के बराबर, यानी कि x परसेंट ऑफ 420 इज इक्वल टू 400% ऑफ 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x बताना है। तो सिंपल सा है, ऑफ का या का क्या मतलब होता है, मैंने बताया अभी, क्या मल्टीप्लाई, x परसेंट इधर है, परसेंटेज इधर है, तो परसेंट से परसेंट क्या होगी, कैंसिल होगी, यानी कि 420 का मतलब मल्टीप्लाई, तो 420x, यानी कि ये 400 गुना 21, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो ठीक है x इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 21 बाय में 420, इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये इसका दुगना और ये से कट गया, तो 2 × 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20, यानी कि इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो क्या है आपकी, 20 है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का, और परसेंटेज में भी हम मतलब परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा एक हल्का सा इससे मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th पे। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 30% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, मतलब अगर यदि 30% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको पता होगा, जो आपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ये वाला इतना पार्ट जो है बिल्कुल फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा है ना, कि भाई x का कितना प्रतिशत क्या है, y है, वो ये पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत क्या है, y है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में x और y के बीच का क्या ढूंढना पड़ेगा, रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कि भाई x और y के बीच रिलेशनशिप क्या है। वो रिलेशनशिप हमें काम से मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन से। अब आपको पता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30% यहाँ है, 30% यहाँ है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल होगी। तो अगर मैं देखूँ कि 30 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई x माइनस वाई, है ना। अब x प्लस वाई एक तरफ वाले एक तरफ ले लो और x माइनस वाई वाले एक तरफ ले लो, तो आपने लिखा x प्लस वाई बाय में x माइनस वाई इक्वल टू 50 बाय में 30। और अगर मैं इसको कहूँ तो 0 से मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल, 0 कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये क्या आ गया, 5/3। अब यहाँ से जो रिलेशन निकालना है वो x और y के बीच निकालना है, यानी कि यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं इसको नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्मूले से निकालने लगूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आसान तरीका होता है कि यहाँ पर आप लगाएं कंपोडेंडो डिविडेंडो रूल। तो कंपोडेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, आपने क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। तो पहले एक बार ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे एक बार, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और एक बार क्या कर देंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे। तो x प्लस वाई जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का x प्लस का वाई, ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया, 5 और 3 8, 5 से 3 गए 2, क्लियर। अब ठीक है, y से y कैंसिल आपका, यहाँ x से x कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2x, ये हो गया 2y, यानी कि 2x 2y इक्वल टू क्या हो गया, 4, कट गया ना, 2 चौके 8, तो आपका जो x बाय वाई आ गया वो कितना आ गया, 4/y। इतना आपको समझ आ गया। अब आपको x और y के बीच रिलेशनशिप मिल गया कि भाई x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, चाहे वैल्यू जो मर्जी हो, कॉमन पार्ट तो कैंसिल हो चुका है ना। कहते हैं देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो आपको ये बताना है कि x का कितना प्रतिशत क्या होगा, y होगा। अभी मैंने वेरी कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, इसके बारे में पूछा है, इसका प्रतिशत पूछा है कि x का कोई जो परसेंट है वो क्या है, y है। तो आपको पता है ये वाला ऊपर रहेगा, यानी कि y की वैल्यू 1 ऊपर, x की वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो 4 को इससे काटेंगे तो 25 चौके 100, तो कितना परसेंट, 25% इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं है। नहीं भी आया तो थोड़ा सा पीछे जाके एक बार दोबारा से इसको समझ लेना, वीडियो का यही फायदा है। तो ठीक है, चलो इतना समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, कहता है संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है।
तो एक नंबर है 60, एक नंबर है कितना 80। आपने ये बताना है ये इससे कितने कम है, कितने परसेंट क्या है कम है। अगर आप देखो तो कितना कम है ये इससे, मतलब ऑब्वियसली ये कम है ना किससे, इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। ये जो 20 कम हुआ है या ये जो 20 का डिक्रीमेंट हुआ है वो किस पर हुआ है, 80 पर। 80 तो क्या कम हुआ है, 60 हुआ है ना, कि 80 था अब कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो कितने की कमी आई, तो आप कहेंगे 20 की कमी आई। 20 की कमी किस पर आई है, तो आप कहेंगे 80 पर आई है। तो गुना में क्या कर देंगे उसको 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है कितने प्रतिशत कम है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके और 4 से 100 कटा 25 चौके 100। तो कितना परसेंट कम है, वो 25% कम है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेता कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपने देखा कि ज्यादा भी कितना है, 20 ही है, है ना, 20 ज्यादा है। लेकिन ये 20 ज्यादा किस पर है, 60 पर, है ना, सॉरी 60 पर अधिक है। गुना में क्या कर दिया, 100, 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हो गया 100/3, और 100/3 होता है 33.3%। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। चलो इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो वो कहता है कि संख्या 50 संख्या 60 से कितने प्रतिशत अधिक है। मान लो ये क्वेश्चन पूछा होता ना, कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने कहा कि संख्या कितनी है, 50 है, संख्या 60 से कितने अधिक है, मतलब किससे बतानी है हमने, 60 से बतानी है कितने अधिक है। तो कितने अधिक है, तो आपने कहा 10 अधिक है। अब ये जो बड़ा है, यानी कि अधिक हुआ है, बड़ा है, किस पर बड़ा है, 50 पर। तो जो जिस पर इंक्रीमेंट होगा वो हम नीचे लिख देंगे, कमी पूछता तो कम किस पर होता, 60 पर लिख देता। गुना में क्या कर दिया हमने, 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, 5 पे 5 दोनी 10, तो 20% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी इसकी, इस कंसेप्ट पर बेस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप उस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लें। हाँ, अगर वो क्लास आप ये काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं वीडियो, तो उस क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे होगा, तो वहाँ से आप सेकेंड क्लास भी देख आना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।